हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग घटना चक्र से यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए पीटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करना है। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। हम लोग इसमें 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से मैथ के जो 20 क्वेश्चन हैं उनका सिर्फ आंसर देखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन ये है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी। तो गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना जो की गई थी वह 1919 में की गई थी। ये 1915 में भारत वापस आते हैं और 1919 में इनका सत्याग्रह के पहली स्थापना ये करते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी। तो शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वह कलिंजर दुर्ग में युद्ध करते समय हुई थी। उसमें एक अस्त्र चला रहा था और जिससे ये गोला निकल करके किले की ऊपरी दीवार से टकरा करके वापस इन्हीं का जो आयुध भंडार था उसमें जाके गिर जाता है और वहाँ पे आग लग जाती है और कई गोले इधर उधर ब्लास्ट होने लगते हैं। उसी में से एक गोला इनको भी लगता है, ये काफ़ी हद तक जल गया होता है और वहीं पर ये मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था वह क्या था, कल्याणी के चालुक्य थे, कांची के पल्लव थे, तमिलनाडु के चोल थे या वातापी के चालुक्य थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है वह है क्या, वातापी के चालुक्य हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है और ये कब पढ़ा है, 1837 ईस्वी में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मावादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वह कौन था, तो वह थी लोपामुद्रा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था। तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था, राणा सांगा को, ठीक है। और यही राणा सांगा था जिसने बाबर को 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी के खिलाफ इन्वाइट करता है, बुलाता है राणा सांगा। और यही राणा सांगा अगले साल युद्ध करते हुए मारा जाता है। नौजवान सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान सभा जो है ये सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी। नौजवान सभा की स्थापना किसने किया था, भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर एट में ये है, निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तात्या टोपे ने लिया था, लक्ष्मीबाई ने लिया था, नाना साहब ने लिया था, लेकिन टीपू सुल्तान उस समय नहीं था, इसके पहले ही वो मर गया है, टीपू सुल्तान नहीं लिया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे, कहाँ पर, तो लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था, लखनऊ पैक्ट इसी को कहा जाता है, और वहीं पे ये लोग कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग एक साथ सम्मिलित होते हैं, लखनऊ पैक्ट कहते हैं, लखनऊ में हुआ था ये। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था। अंतिम भारतीय वायसराय पूछ रहा है, तो इसका अंतिम भारतीय वायसराय कौन था, लॉर्ड माउंट बेटन था। लेकिन अगर ये भारतीय वायसराय पूछ ले अंतिम भारतीय, तब हो जाएंगे राजगोपालाचारी। आइए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम कौन करता है, स्वेज नहर करती है। क्वेश्चन नंबर 13 में है ये, इसको मिलाना है कूट को, और कूट को मिलाने के बाद हमको आंसर देना होगा। कह रहा है कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है, आटाकामा कहाँ है, और थार कहाँ है, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है। तो इसके लिए हम लोग जब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए जो ए होगा, कालाहारी जो है ये अफ्रीका में है, ठीक है। और बी में आटाकामा ये दक्षिण अमेरिका में है। और जो थार है ये कहाँ है, थार एशिया का सबसे बड़ा है। और ग्रेट विक्टोरिया ये ऑस्ट्रेलिया का है। यानी जो हमारा आंसर बनेगा 3142, ठीक है, 3142 ऑप्शन नंबर डी। फिर देखेंगे हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 14 में ये है कि वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो वायु में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह पाया जाता है नाइट्रोजन, ये पाया जाता है 78%, और ऑक्सीजन जो होता है ये 21% होता है। तो वायु में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है,
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वह कौन है? वह अरावली है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे केसी नियोगी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में कृषि आय पर लगाया जा सकता है, भारत में कृषि आय पर आयकर लगाया जा सकता है कब? तो उसका आंसर जो होगा राज्य सरकारों के द्वारा। जो एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगेगा वह किसके द्वारा लगेगा? वह राज्य सरकार के द्वारा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18, नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? तो नई आर्थिक नीति जो है उदारीकरण से संबंधित है, निजीकरण से संबंधित है और विश्वव्यापीकरण से संबंधित है। यानी ये चार के चारों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन, उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ था? तो जो उद्योग हुए थे वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुए थे। पहले में हमने कृषि पे ध्यान दिया था और दूसरे में भारी उद्योगों पे। क्वेश्चन नंबर 20, बैंकिंग के क्षेत्र में CBS में सी का पूर्ण रूप क्या है? तो CBS में सी का जो पूर्ण रूप होता है उसको क्या कहते हैं? कोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तीन लेयर वाला प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? बलवंत राय मेहता ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है, जो मध्य प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है उसकी जो पीठ है कहाँ पे है? वह जबलपुर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में महाराष्ट्र में खाली जगह संसदीय सीटें राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र पूछ रहा है, तो संसदीय यानी राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 23 में है। बी, एमपी में कितनी, महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया? तो जो संपत्ति का अधिकार है ये कब हटा दिया गया था? 1978 में हटाया गया था। और ये था क्या? ये 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 8। 25 में हो गया 1। 26 में, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के जो टिमटिमाने का जो कारण है वह क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं और टेम्परेचर के कारण ये चमकते हैं। अगर चमक पूछे कि चमकते क्यों हैं, तो ताप के कारण, वह ताप ही बताता है कि कितना ज़्यादा ये चमकेंगे। 27, पीतल मिश्र धातु के रूप मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पीतल में क्या क्या पाया जाता है? पीतल में पाया जाता है तांबा और जस्ता। जैसे इसका एक ट्रिक है पिताजी, पिताजी है ना, पी फॉर पीतल और ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जस्ता। तो पीतल जो होता है तांबा और जस्ते से मिलके बना है। फिर देखिए, PVC किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो PVC किससे प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड से। विनाइल क्लोराइड का जो पॉलीमर होता है वह क्या होता है? PVC होता है। क्वेश्चन नंबर 29 में सूची है, इसको मिलाना है विटामिन B1, विटामिन B2, B6 और B12, इसमें इनका नाम बताना है। तो जो है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में जो होगा क्या होगा, पहले में जो विटामिन B1 होता है उसका नाम होता है थायमिन। ठीक है। ठीक, B1 का नाम क्या होता है? थायमिन। B1 का नाम क्या होता है? थायमिन। और उसके बाद B2 का नाम क्या होता है? B2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन कहा जाता है। और उसके बाद B6 का नाम होता है पाइरिडॉक्सिन। ठीक है ना। और B12 का नाम होता है साइनोकोबैलोमिन। B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बनेगा 3412 ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 30 में है, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? यानी ECG जो हम लोग कराते हैं वह किसके लिए कराते हैं? तो ECG कराया जाता है किसके लिए? हृदय के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, यदि उन संख्याओं का औसत 136 हो तो छठी संख्या का मान कितना है? ठीक है ना। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? B, 102। क्वेश्चन नंबर 32,
एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुणा का योग 11/2 है, वह भिन्न क्या है? तो यह भिन्न होगी 7/2। कई लड़कों के अकाल निधि के लिए 12,544 रुपए जुटाए। प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी थी? तो ये सीधा सीधा होता है, इसका आप अंडर रूट ले लीजिए और आंसर आ जाएगा, यानी 112। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि होती है तो बी की आय में 40% वृद्धि होती है। तो ए और बी की संयुक्त आय में वृद्धि कितने प्रतिशत होगी? ठीक है, तो इसमें जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, 31.25। ठीक, एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हैं। अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थी की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु कितनी होगी? तो ये कितना होगा, यह होगा 23 साल। वीडियो को पॉज करिए, सोल्यूशन आ जाएगा। दैवज्ञ क्या अर्थ है? दैवज्ञ का आपको अर्थ बताना है। तो दैवज्ञ का जो अर्थ होता है वह होता है ज्योतिषी। दैवज्ञ का मतलब होता है ज्योतिषी। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो 37 में बोलगा से गंगा, ये राहुल संकृत्यानंद का है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद का है। और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, ये इनका नहीं है और यही आपके लिए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 38 में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये आशीर्वाद है। ठीक है ना, इसमें बड़ा एक मात्रा होगा और जो उड़ने वाला र होगा वह व पर होगा, व की मात्रा जो है आ उस पे होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 39 में संधि विच्छेद होगा पुनः धन जन्म, ये हो जाएगा पुनर्जन्म। श्री गणेश शब्द का विलोम, श्री गणेश का तो मतलब होता है शुरू करना और इति श्री का मतलब होता है समाप्त कर देना। आइए, ये एक पैसेज है, इसको पढ़ेंगे और इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में जो हमारा ऑप्शन बनेगा, 41 में बी, ठीक है, और 42 में क्या बनेगा, ए। 43 में आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 44 में देखिए, 44 में क्या हो जाएगा, 44 में भी बी हो जाएगा। और 45 में क्या होगा, 45 में डी होगा। देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? एक क्रम में इनको बैठाना है और वह क्रम क्या होगा, वह क्रम होगा देखिए पृथ्वी का है, शुक्र का, बुध का, बृहस्पति का, मंगल का। तो होता क्या है, ये इसमें क्रम तो सीधा सीधा है, पहले बुध होगा, फिर शुक्र होगा, फिर पृथ्वी होगा, फिर मंगल होगा और फिर बृहस्पति होगा। ठीक है, यानी जिस सिक्वेंस में हम लोग सूरज से दूर होने की दृष्टि में देखते हैं ना, पढ़ते हैं ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इसी तरह से ये सिक्वेंस आपको बना देना है। आर एन ओ डब्ल्यू क्यू और सी एक गोलाकार मेज पर इर्द गिर्द बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे। आर डब्ल्यू के दाई ओर है जो ओ के सामने है, ओ एन के बाई ओर बैठा है, सी डब्ल्यू के बगल में नहीं है, तो क्यू के बाई ओर कौन सा बैठा है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, 47 में जो आंसर आएगा वह आएगा बी डब्ल्यू। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से विकल्पों में से जो विषम है उसको छांटना है। तो 48 में आई के एम जो है ये विषम है। फिर देखिए, ये कथन है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान के रूप में जाना जाता है, तो इससे निष्कर्ष क्या निकल रहा है? वनस्पति विज्ञान में हमें मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है, और दूसरा, वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में हमारी मदद करता है। तो इसमें तो कोई भी नहीं निकल रहा है, ठीक है ना, न तो एक न तो दो, यानी ऑप्शन नंबर सी निकल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि पौधों के वैज्ञानिक अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और आप पहले में क्या कह रहा है, निष्कर्ष में वनस्पति विज्ञान हमें मानव व्यवहार, तो वनस्पति विज्ञान तो पौधों को समझा रहा है, मानव व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे में कह रहा है वनस्पति विज्ञान पशु शरीर को समझने में, तो ये भी पशु की कोई बात नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर
50। कथन यह है, कुछ पौधे सब्जी हैं और सभी सब्जियां विटामिन हैं। फिर इससे आपको निष्कर्ष क्या निकालना है, कुछ विटामिन पौधे होते हैं, कुछ विटामिन सब्जियां हैं और कोई भी विटामिन पौधा नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, न तो एक न तो दो अनुसरण करता है। ठीक है, इसमें भी आपका बी ही सही होगा। आइए क्वेश्चन 51। हाँ, इसमें हमको ये सूची दे दिया है और इस सूची को मिलान करना है। सूची में आपको दे क्या दिया है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि अभी बनाए गए हैं आपके शिक्षा मंत्री, ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज दे दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, वह शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। और अगर देखें तो ये पहला है ही है, जिसमें पहले वाले में दो, सिर्फ एक ही ऑप्शन में मौजूद है, एक में। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक, ठीक है ना। यानी जो अश्विनी वैष्णव हैं वो कौन हैं, रेल मंत्री हैं। किरण रिजिजू जो हैं ये कानून और न्याय मंत्री बनाए गए हैं। और ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 में है, मार्च 2021 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स स्विस ओपन 2021 के महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो 52 में ये किसने जीता है, कैरोलिना मॉरिन ने। 53 देखिए, अप्रैल 2021 में कौन सा भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम का सदस्य बन गया है। तो यह कौन सा बैंक बन गया है, यह बन गया है भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। फिर देखिए, जून 2021 में G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये कहाँ आयोजित किया गया, कर्बिस बे कार्नवाल में। जून 2021 के में सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बल्ट्समैन स्टिफ द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021 में भारत किस स्थान पे है। तो भारत किस स्थान पे है, तो भारत है 120वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 56, डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है यह कोसी नदी पे किया जा रहा है। मई 2021 में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किसे दिया जा रहा है, डॉक्टर जेन गुडाल को। क्वेश्चन नंबर 58, जून 2021 में किस वैश्विक संगठन ने लापता व्यक्तियों की पहचान करने हेतु आई फैमिलिया नामक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। तो आई फैमिलिया किसने लॉन्च किया है, 58 में डी इंटरपोल ने। क्वेश्चन नंबर 59, मुलाग मेडल पाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है। तो यह विश्व के जो पहले क्रिकेटर हैं वो कौन है, अजिंक्य रहाणे। क्वेश्चन नंबर 60, जनवरी 2021 में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का निधन हो गया, जिन्हें संगीत के क्षेत्र में जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता है। तो जिन्हें जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता था उनका नाम क्या था, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जिनका जनवरी 2021 में निधन हो गया और इनको क्या बुलाया जाता था, जूनियर तानसेन के नाम से बुलाया जाता था। और तानसेन पुरस्कार कौन सा स्टेट देता है, यह देता कौन है, एमपी देता है, ठीक है, एमपी। आइए क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे भी मिलान करना है कि कहाँ की मुद्रा क्या है। तो देखिए, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह है टका, ठीक है ना। तो पहले में जो होगा वह सी होगा सही, ठीक है, पहले में जो होगा। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा जो है क्या है, वह टका, ठीक। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 दूसरे में क्या होगा, वह होगा म्यांमार की जो मुद्रा है वह है क्यात, ठीक है ना। और तीसरा देखेंगे, मालदीव की जो मुद्रा है वह है रूफिया, और भूटान की जो मुद्रा है न्यू ग्युत्रम, ठीक है ना। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह क्या सही होगा, वह सी होगा, डी होगा, सी डी बी ए, यानी ऑप्शन नंबर सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 61 में हो गया सी। 62 में कह रहा है, किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है ना। गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक किस भारतीय राज्य में है, तो ये 62 में हो जाएगा असम। अच्छा, असम में जो गमछा है यह एक
सांस्कृतिक प्रतीक के जैसे यूज होता है। वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ की लेखिका कौन है? तो इसकी लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति ने कौन सी किताब लिखी है? वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65, कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह किया जाता है यूनेस्को को द्वारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो जो हम 8 मई मनाते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। और 67 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है नागपुर को। क्वेश्चन नंबर 68, यक्षगान लोकनृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो यक्षगान जो संबंधित है यह कर्नाटक से संबंधित है। और गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो गुदई महाराज जो बजाते थे उसका नाम था तबला। क्वेश्चन नंबर 70, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। फिर देखिए ये पैसेज है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब वह वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपयोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार बार मिले या बराबर मिलता रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है तब प्राप्ति हानि पर भी और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है, जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनंद से विमुख रहता है। जितना नहीं है उतने के पीछे, जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। उसका सारा अंतःकरण सदा अभावमय रहता है। उसके लिए जो वह है भी नहीं है, असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख। और अतः जिस किसी में यह अभाव कल्पना स्वाभाविक हो जाती है, दुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। सुख से उसका नाता सब दिन के लिए टूट जाता है। न किसी को देखकर वह प्रसन्न होता है और न उसे देखकर कोई प्रसन्न होता है। इसी से संतोष सात्विक जीवन का अंग बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे इस पैसे से क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे पूछा गया, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों रहता है? क्योंकि जितना है उतने से मनुष्य प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 72, गद्यांश का सही शीर्षक बताइए। तो इसका सबसे सही शीर्षक होगा लोभ और असंतोष। क्वेश्चन नंबर 73, असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? 73 में असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। 74 में गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अभावग्रस्त नहीं आया है, अभावमय आया है, सात्विक आया है और अंतःकरण आया है। सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? 75 में सात्विक जीवन का अंग कहा गया है अंग संतोष को। फिर ये एक अलग पैसेज, स्थूल एवं बाह्य पदार्थ सूक्ष्म और मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय हैं। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं और न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा, राज्याधिकारियों से ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम छोड़ों में भी शांत था क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वाह कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता परंतु अपना काम न करने दिया जाता तो निश्चय वह अनुभव करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएँ आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो वाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। क्वेश्चन 76 में आपसे पूछा जा रहा है कि विचारों की एक विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएँ कम होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, सुकरात को अपना काम न करने दिया जाए तो अनुभव करता है कि, इसके लिए आपका क्या ऑप्शन सही होगा? उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं? अच्छे जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 79, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? तो भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं? तो रचनात्मक कार्य करने वालों को। क्वेश्चन नंबर 80, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 80 में एक ग्रंथ से। ठीक है, आइए ये ग्राफ है, इसको बनाइएगा और इसको वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं आंसर बता रहा हूँ, आप आंसर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 2011 से वर्ष 2012 में राजस्व कितने प्रतिशत में कम हुआ? तो ये कितना कम हुआ है? 44। ठीक है, 83 में क्या हो रहा है? 83 में पूछ रहा है कि वर्ष 2015 में राजस्व वर्ष 2014 के राजस्व का कितना प्रतिशत था? तो ये था 61.53। वर्ष 2013, 14 तथा 2015 का कुल राजस्व दिए गए 6 वर्षों के कुल राजस्व का कितना प्रतिशत है? तो ये है 54.09%। 85, वर्ष 2015 और वर्ष 2016 का कुल राजस्व वर्ष 2012 और 13 के कुल राजस्व से कितना अधिक है? करोड़ रुपए में बताना है, तो यह है 160 करोड़। फिर ये दंड आरेख है, इसको बनाइए और ऑप्शन में आपको सही बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करिए। 86 में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बीच का अंतर किस शैक्षणिक वर्ग में सबसे अधिक पूछा जा रहा है? तो यह सबसे अधिक कब है? 2016-17 में। 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत क्या है? तो 87 में क्या होगा? ए 50। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88, पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई? तो यह सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि कब हुई है? 2014-2015 में। क्वेश्चन नंबर 89, 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में कितना है? तो 89 में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 73%। क्वेश्चन नंबर 90 में वर्ष 2014-15 और 2017-18 के कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात कितना था? तो ये हो जाएगा 5:2। फिर ये एक तालिका है, इसको बनाने के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में कंपनी टी द्वारा उत्पादित ब्रांड ए के लकड़ी के बल्लों की कुल संख्या क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा 72,600। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है 92 में N=U द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्ले M=R तथा W द्वारा मिलकर उत्पादित कुल बल्ले N/M का मान लगभग क्या है? तो वह लगभग मान क्या आएगा? 0.061। P=6 द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्लों तथा W द्वारा उत्पादित ब्रांड A के लकड़ी के बल्लों का योग Q=Y द्वारा उत्पादित ब्रांड B के लकड़ी के बल्लों तथा ब्रांड A के लकड़ी के बल्लों का अंतर P-Q का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो आपका सही आंसर आएगा वह मान क्या होगा? 93 में होगा सी। ठीक है, 94, सभी 6 कंपनियों को मिलाकर ब्रांड A के कितने लकड़ी के बल्ले बनाए गए हैं? तो सबका मिला करके A के बल्ले बताने हैं कि A ब्रांड के कितने बल्ले बने हैं, तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर A। 95, X=V U तथा T द्वारा उत्पादित प्लास्टिक के बल्लों का औसत Y=V द्वारा उत्पादित ब्रांड A के लकड़ी के बल्ले X-Y का मान कितना होगा? तो 95 में क्या हो जाएगा आपका? C। फिर ये टेबल है, इस टेबल को बना के सवाल सॉल्व कर लेंगे। 96 वर्ष 1993 और 2016 में ए प्रकार के कारों के कुल उत्पादन की तुलना में वर्ष 2012, 2014 और 2015 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन लगभग कितने प्रतिशत अधिक रहा? तो इसका आंसर होगा आपका डी 31.9। वर्षों की संख्या जिसमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है निम्न है, तो 97 में जो होगा वह होगा ए। 98, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े का त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा?
तो 98 में होगा हमारा 84 डिग्री। 99, वर्ष 2014 में ए और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? 99 में होगा ए 12:13। क्वेश्चन नंबर 100, वर्ष 2013 में सभी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन है कितना है? तो ये है 37,000। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए सेट नंबर 5 देखेंगे, जो कि हम लोग घटना चक्र की 2 सीरीज से देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने सारे टेस्ट सीरीज देख लिए तो श्योर है कि बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है शिवाजी का गुरु कौन था? तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा शिवाजी का गुरु कौन था, तो शिवाजी का जो गुरु थे वो थे रामदास। देखिए मैं स्पीड में कराता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा समय न लगे और रिवीजन जल्दी जल्दी हो जाए। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो यह 9वां मंडल है जो कि सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? तो शमसे सिराज आसिफ, ये तारीख़ फिरोज शाही, ये जो है ये सही है, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह धर्म जो शुरू किया गया था ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये शाक्य कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो ये कौन थे? तो ये थे लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो इसमें कौन नहीं थे? देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है, राजेंद्र लहड़ी थे, अशफाकुल्ला खान थे, लेकिन सूर्य सेन जो है इसमें नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह है मांजुली नदी द्वीप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में है? तो यह है उत्तरी हिस्से में, ठीक है। फिर देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम है, वह क्या है? यानी नेपाल के लोग इसको क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में गंगा डेल्टा के मैनग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सुंदरवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन जो होता है वह मछली के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो ये किया था किसने? फ्रांस ने वस्तु एवं सेवा कर यानी GST सबसे पहले लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 19, बुल और बियर शब्द कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं? तो बुल और बियर शब्द जो होते हैं ये शेयर बाजार में यूज किए जाते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी? तो NDC की स्थापना 1952 में की गई थी। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसको कहा गया है? ये प्रस्तावना को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो यह निर्धारित आयु कितनी है? 35 साल। और लोकसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के लिए नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो ये कौन थी? यह नरगिस दत्त थी। ये कौन सबसे पहले राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित की गई थी हीरोइन? तो ये थी नरगिस दत्त। क्वेश्चन नंबर
25 लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो लोक लेखा समिति जो है ना लोकसभा को सौंपती है अपनी रिपोर्ट, लोकसभा अध्यक्ष को। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, तो वाहन चलाते समय जो पीछे का देखने के लिए जो दर्पण होता है वह कैसा होता है? वह ऑप्शन नंबर सी उत्तल होता है। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है या एक उदाहरण क्या है? तो इसका जो एक उदाहरण होता है 27 में वह क्या होगा? क्षरण। हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है? तो यह ताप नाभिकीय संलयन, ठीक है ना, इसमें नाभिकों का संलयन होता है, नाभिक जुड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर जान मेंडल को। क्वेश्चन नंबर 31, यदि किसी संख्या को का 40% या उसके 60% से 30 कम, किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है तो उस संख्या का 20% कितना होगा? देखिए 40% और 60% का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली में है 20%। तो ये 20% ही 30% 30 के बराबर है, और हमसे पूछा भी यही जा रहा है कि 20% की वैल्यू कितनी होगी, तो 20% की वैल्यू होगी 30, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है 31 में। ऑप्शन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 25 गुना है तो संख्याएं बताइए। 232 में, क्वेश्चन नंबर 32 में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दो और पांच गुना, यानी अलग अलग दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, एक बाग में प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी है जितनी कि उसमें पंक्तियां हैं, एक तूफान में 111 पेड़ के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10,914 रह गई, तो बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी थी? तो हमको क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देना होगा, और जोड़ने के बाद हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो जो अंडर रूट आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी 105। क्वेश्चन नंबर 34, एक कक्षा में दो सेक्शन हैं जिसमें 20 और 30 विद्यार्थी हैं, इन सेक्शनों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत क्रमशः 80% और 60% है, पूरी कक्षा में उत्तीर्ण कितने परसेंट? देखिए जब 20 हैं और ये 30 हैं तो 20 में कितने हैं 80%, तो 20 का 80% हो गया 16, ठीक है ना, और ये 30 वाले के हैं कितने 60%, तो 36 हो गए, ये 18 बच्चे ये पास हो गए, यानी 16 × 32 और 2 = 34 बच्चे पूरे पास हैं, कितने में? 50 बच्चों में, तो 34 जो है ना 50 बच्चे हैं, तो 34 का दूना अगर 100% की बात करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 34 × 2 = हो जाएगा 68, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर 34 में बी, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35, 20 अवलोकनों का माध्य, 20 अवलोकनों का जो माध्य था वह 25 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया, तो बस कुछ नहीं, जितना ये डिफरेंस है उसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, और आपका आंसर आ जाएगा, हमारा 85.9। अब देखिए स्थावर का विलोम शब्द क्या है, 36 में स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। तुलसीदास किसकी कविता है? देखिए तुलसीदास किसकी कविता है, क्वेश्चन नंबर 37 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो 38 में पुल्लिंग शब्द क्या है? पहिया। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है, 39 में नाक रगड़ना का अर्थ होता है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना मतलब दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकता उसी को क्या कहा जाता है? यायावर, 40 में। उसके बाद देखिए ये पैसेज है, इंग्लिश का वीडियो को पॉज करके पैसेज को पढ़िए और इसके आंसरों को दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन होगा वह ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में जो ऑप्शन सही होगा वह बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह क्या सही होगा? ए। और 44 में क्या सही होगा? वह भी ए सही होगा, ठीक है, 44 में ए। और 45 में क्या सही होना है? 45 में सही होना है सी। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 70 अगर आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप श्योर मानिए कि आप मैच दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है, इसको सीक्वेंस में बैठाना है, खिड़की, नींव, फर्श, रोशनदान और छत,
तो 46 में क्या हो जाएगा, सबसे सही जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, पहले आप क्या करेंगे, नींव रखेंगे, फिर क्या करेंगे, फर्श होती है, उसके बाद क्या होता है, खिड़की होता है, फिर क्या होगा, रोशनदान होगा, और अंत में सबसे ऊपर जो होगा छत होगा, यानी नींव से शुरू करेंगे छत तक पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। कुछ खिलाड़ी एक पंक्ति में खड़े हैं, वीर सामने से 15वें स्थान पर है, संकेत पंक्ति में एकदम पीछे से 20वें स्थान पर है खड़ा है, आर्यन वीर के पीछे है लेकिन उसके और वीर के बीच में दो खिलाड़ी खड़े हैं, एकदम संकेत एकदम से आर्यन के बाद खड़ा है, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, पंक्ति में कुल कितने हैं, पंक्ति में टोटल 38 विद्यार्थी खड़े हैं 47 में, ऑप्शन आता है 48। इसमें हमें विषम चुनना है, तो विषम जो होगा 48 में क्या होगा, ये होगा यस यू बी। ये कथन और निष्कर्ष है, जेम्स एक फैक्ट्री में, एक स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जेम्स एक फैक्ट्री में काम करता है और दूसरा है उसे वेतन मिलता है, ठीक है ना। अब हमको ये बताना है कि क्या इसमें से सही होगा, ठीक है, क्या इसमें से सही होगा, सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों उत्तर देना है, ठीक। तो इसके लिए हमारा क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 49 में, क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा बी सही हो जाएगा, जेम्स को अपने काम का वेतन मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, ये कथन है कि सभी शिक्षक चित्रकार होते हैं और कुछ चित्रकार अमीर हैं, निष्कर्ष देखिए इसका क्या है, निष्कर्ष में कह रहा है सभी चित्रकार शिक्षक हैं, सभी चित्रकार शिक्षक हैं और कुछ अमीर चित्रकार नहीं हैं, तो ऑप्शन बी में जो हमारा सही हो जाएगा, न तो निष्कर्ष ए निकल पा रहा है और ना ही निष्कर्ष बी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 करंट के क्वेश्चन है, जून 2021 में किसने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, तो किसने ग्रहण किया है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने क्या हुए हैं अभी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मई 2021 में विश्व की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने कब से लोकप्रिय ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है, तो इन्होंने कब से घोषणा की है, 15 जून 2022 को, ठीक है ना, ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है 15 जून 2022 से बंद होगा। क्वेश्चन नंबर 53, कौन महिला तलवारबाज टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं, तो ये कौन है, सीए भवानी देवी, ठीक है ना, सीए भवानी देवी क्या है, पहली तलवारबाज बन गई हैं जो किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से। आइए क्वेश्चन नंबर 54, 10 जुलाई 2021 को ब्राजील में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता है, तो यह जीता है अर्जेंटीना ने, कोपा अमेरिका का खिताब किसने जीत लिया, अर्जेंटीना ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 55, जून 2021 में कौन देश क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा प्रदान करने वाला आधिकारिक रूप से विश्व का पहला देश बन गया है, तो यह बन गया है कौन, अल सल्वाडोर, ये याद रखिएगा, क्रिप्टो करेंसी को इसने मान्यता दे दी है, कौन से देश ने दी है, अल सल्वाडोर। क्वेश्चन नंबर 56 में है, मई 2021 में अमेरिका के किस प्रांत में विवादास्पद हार्टबीट विधेयक पारित किया गया, तो यह विधेयक हार्टबीट विधेयक कहां पारित किया गया है, टेक्सास में। क्वेश्चन नंबर 57, केंद्र सरकार ने किस तिथि से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू कर दी है, तो 57 में डी, 15 जून 2021 से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, जुलाई 2021 में किसे उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो बने हैं पुष्कर सिंह धामी, जुलाई 2021 में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, पुष्कर सिंह धामी, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, दिसंबर 2020 में तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पीसीवी का उद्घाटन किया, इस वैक्सीन का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन नंबर 59 में इस वैक्सीन का नाम है न्यूमोसिल, न्यूमोसिल का उद्घाटन किसने किया, डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। क्वेश्चन नंबर 60, दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है, तो यह निर्णय लिया गया है गृह मंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 61, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के
तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर गुजरात के तट पर स्थित है, जहाँ पे किसने आक्रमण किया था, गजनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है, तो रेवोल्यूशन 2020 पुस्तक लिखा गया है चेतन भगत के द्वारा। यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को क्या नाम दिया गया है, यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा को यूरो कहा गया है, यूरो जो है यूरोपीय संघ की साझी मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो यह देहरादून में है। और क्वेश्चन नंबर 65, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 66, कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किसकी भूमि है, पांडिचेरी की, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में खाली जगह है, भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बियाहुला गिद्धा किया जाता है, तो बियाहुला गिद्धा कहाँ किया जाता है, यह किया जाता है पंजाब में, बियाहुला गिद्धा डांस कहाँ किया जाता है, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 69, मधुबनी चित्रकला भारतीय चित्रकला की एक शैली है जो भारत के, ये देखिए ये भारत के कहाँ पे है, ये बिहार में है, बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है मधुबनी चित्रकला। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, ये है बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ठीक है ना। देखिए फिर ये पैसेज है, प्रत्येक राष्ट्र अभिमानी के लिए के हृदय में अपने देश की संस्कृति तथा भाषा के प्रति प्रेम और अभिमान सहज ही होता है, वह अपने राष्ट्र अपनी जन्मभूमि और राष्ट्रभाषा के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने को सदैव तत्पर रहता है, जिस देश के निवासियों के हृदय में यह उत्सर्ग भावना नहीं होती वह राष्ट्र पराधीन होकर अपनी सुख शांति और समृद्धि सदा के लिए खो बैठता है, देशभक्ति और सार्वजनिक हित के बिना राष्ट्रीय महत्व का अस्तित्व ही नहीं हो सकता रह सकता, यह भावना उसे इस बात का प्रयत्न करने के लिए प्रेरित करती है कि वह अन्याय से दुर्बलों की रक्षा कर अनौचित्य का निवारण करे, धर्म पर स्थिर रहे और न्याय के लिए लड़े, समाज को हानि पहुंचाकर अनुचित लाभ उठाना एकदम अस्वीकार कर दे, अपने समाज के प्रति कर्तव्य से मुंह मोड़कर उसे धोखा न दे, ठीक है ना। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अधर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72, पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, तो 72 में पराधीन राष्ट्र क्या खो बैठता है, अपनी समृद्धि को। 73 में पूछा जा रहा है कि गद्यांश का सही शीर्षक बताइए, तो 73 में क्या होगा, राष्ट्राभिमान। 74, प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, 74 में किसका, देश की भाषा के लिए। और 75 में देखिए, देशभक्ति प्रेरित करती है, देशभक्ति किस चीज़ के लिए प्रेरित करती है, तो अनौचित्य का निवारण करने के लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के लिए, फिर ये पैसेज है, साल के जिस माह में मुझे सबसे अधिक लगाव होता है वह दिसंबर ही है, इस महीने की कोमल धूप मुझे मोह लेती है लेकिन तभी एहसास होता है कि यह साल भी बीत कर विगत हो जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे धरती मैया के आंचल में न जाने कितनी सदियां कितने बरसें दुबक कर छिपे बैठे हैं, फिर सोचता हूं तो लगता है कि हर किसी के जीवन में बनने में ऐसे ही न जाने कितने 12 महीने लगे होंगे, इन्हीं महीनों के पल पल को जोड़कर हम आप सब अपने जीवन को संवारते बिगाड़ते हैं, किसानी करते हुए हमने पाया कि एक किसान 4-4 महीने में एक जीवन जीता है, शायद ही किसी पेशे में जीवन को इस तरह टुकड़ों में जिया जाता होगा, 4 महीनों में हम एक फसल उपजा लेते हैं और इन 4 महीनों के सुख दुख को फसल काटते ही मानो भूल जाते हैं, हमने कभी बाबूजी के मुख से सुना था कि किसान ही केवल ऐसा जीव है जो स्वार्थ को ताक पर रख कर जीता है, इसके पीछे उनका तर्क था कि फसल बोने के बाद किसान इस बात की परवाह नहीं करता कि फल अच्छा होगा या बुरा, वह सब कुछ मौसम के हवाले कर जीवन के अगले चरण की तैयारी में जुट जाता है, किसानी करते हुए जो एहसास हो रहा है उसे लिखता जाता हूँ, इस आशा के साथ कि किसानी को कोई परित्यक्त भाव से न देखे, अंतिम महीने में मेरे लिए मेरे जैसे किसान मक्का आलू और सरसों में डूबे पड़े हैं, इस आशा के साथ कि आने वाले नए साल में इन फसलों के नए जीवन को नए सलीके से सजारा संवारा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शब्दों का कौन सा जोड़ा शेष से भिन्न है, तो इसमें जो सबसे अलग है वह क्या है, सुख दुख। क्वेश्चन नंबर 77, स्वार्थ को ताक पर रखकर जीते हैं कौन, ये होते हैं किसान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78 में किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है, तो किसान अपने सुख दुख को कब भूल जाता है, फसल काट लेने के बाद।
क्वेश्चन नंबर 79, लेखक खेती के साथ साथ लिखने का काम भी क्यों कर रहा है? वह किसान का कोई, ताकि किसान को कोई हीन न समझे। क्वेश्चन नंबर 80, लेखक को दिसंबर से विशेष लगाव है क्योंकि कोमल धूप अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 81 के लिए ये एक चार्ट है, इस चार्ट को पेपर पे बनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 81 का जो ऑप्शन होगा वह क्या होगा? 81 का ऑप्शन होगा डी। 82 में क्या ऑप्शन होगा? 82 का होगा सी, 90। 83 में कह रहा है जिल्द साजी किया गया व्यय कागज पर किए गए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो यह है 32%। क्वेश्चन नंबर 84, यदि कागज पर किया गया व्यय 20,000 रुपया है तो जिल्द साजी पर किया गया व्यय कितना रुपया होगा? तो यह होगा 26,400 रुपया। अन्य से केवल दो प्रकार के व्यय हैं, अन्य में केवल दो प्रकार के व्यय हैं जैसे विपणन तथा वितरण, क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। विपणन पर किए गए व्यय के क्षेत्र के द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोड कितना होगा? तो 85 में होगा बी। फिर ये अगला ये है पाई चार्ट, इसको नोट करिए और सवालों का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 में ए होगा। 87 में क्या होगा? वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम कर निम्न में से किसका है? तो 87 में होगा बी। 87 में क्या होगा? सॉरी बी, यानी आएगा उत्तर सी। ऑप्शन होगा बी लेकिन उत्तर होगा सी। 88वें क्वेश्चन कह रहा है वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक कर निम्न में से किसका है? तो 88 में होगा बी। ठीक है, 89 में वेतन के प्रतिशत के रूप में सबसे कम व्यय निम्न में से कितना है? तो 89 में होगा बी। और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चारों व्यक्तियों का औसत बचत कितना है? तो चारों व्यक्तियों का औसत बचत जो है 8,337.50 रुपया है। फिर ये चार्ट है, इस कॉलम को बनाइए और अगला क्वेश्चन 91। विद्यालय यन में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 92 में जो सही होगा वह क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। 93 में होगा सी और 94 में क्या होगा? डी। का भी डी होगा। फिर ये आखिरी चार्ट है, इसको भी बनाएंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। 96 में होगा, 96 में होगा ए, 97 में होगा ए, 98 में होगा डी और 99 में जो होगा वह होगा ए, और क्वेश्चन नंबर 100 में जो सही आंसर होगा वह होगा बी। को वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करिए कि देखिए कि सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है। इस तरह से हम लोगों ने घटना चक्र से सेट नंबर 5 को भी कर लिया है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग UP SSC का जो PET का पेपर 20 अगस्त को होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और ये सेट है जो ये घटना चक्र 2 सीरीज है, सेट नंबर 6। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मैथ के क्वेश्चनों को मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा, यहाँ सिर्फ आंसर बता दूंगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2, इच्छा सब कष्टों का कारण है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? क्या बौद्ध धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है, सिख धर्म कहता है या हिंदू धर्म कहता है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है, यह बात बौद्ध धर्म कहता है, ऑप्शन नंबर ए। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो यह व्यवस्था क्या थी? यह रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो यह काम किया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का
प्रारंभ कहाँ से किया था? तो इसका प्रारंभ कहाँ से किया था इन्होंने? दांडी से। क्वेश्चन नंबर 6, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। क्वेश्चन नंबर 7, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने प्रारंभ किया था? क्या एनी बेसेंट ने किया था, बीजी तिलक ने किया था, एम के गांधी ने किया था, या श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ करने का काम जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, शिल्पादिक राम का लेखक कौन था? तो शिल्पादिक राम का लेखक जो है यह है इलंगो। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मूर देश का यात्री इब्न बतूता जो है यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था भारत, और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, 24 करों को हटा करके सिर्फ 4 कर लगा दिए थे जनता के ऊपर, ठीक है ना, खुम्स, खराज, जजिया और जकात, ठीक है, ये 4 कर थे जो मोहम्मद बिन तुगलक लेता था। मुमताज महल का असली नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो वह क्या है, झारखंड से साझा नहीं करता, असम सटा है, त्रिपुरा और मेघालय। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? बाइबल रॉक यानी किस पर्वत का नाम है? तो यह है बटाले गला। क्वेश्चन नंबर 13, किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतराल कितना होता है? तो वह समय का अंतराल कितना होता है, वह 4 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? तो रबी की फसल जौ, गेहूं, मूंगफली और सरसों। तो रबी की फसल में कौन सी फसल नहीं है? तो मूंगफली रबी की फसल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 में यह 3 देशों के साथ लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में 1 रुपए के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, 1 रुपए के नोट पे गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी पंतनगर में। भारत का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वह कौन सा है? वह पंतनगर में है। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह किसके अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आती है, और कृषि उत्पाद को लेकर के जब हम कुछ नया उत्पाद बनाते हैं तो वह जो होता है वह द्वितीयक होता है, और जो हम लोग सर्विस देते हैं, जो सेवा कर लगता है, वह तृतीयक होता है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो इंडिया गवर्नमेंट को मिलती है तृतीयक क्षेत्र से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19, विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीवी रामकृष्ण थे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना खाली जगह 1,00,000 रुपए तक मुद्रा ऋण प्रदान करती है, तो यह कहां तक करती है? 10,00,000 रुपए तक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है केवल 10,00,000 रुपए तक का लोन देती है। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष क्या जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या बीआर अंबेडकर थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह बीआर अंबेडकर थे, और इसमें अंबेडकर साहब को लेकर के टोटल 7 मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 22, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो मूल कर्तव्यों को किसके कहने पर जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का जो टाइम पीरियड होता है वह 6 साल का होता है, लेकिन जो उसके सभापति का होता है वह होता है 5 साल का, क्योंकि वो होता कौन है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? तो विधानसभा 24 में किसमें नहीं है? लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, गोवा में है, दिल्ली में है, पांडिचेरी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान में चेंज करता है? तो वह है अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है,
कि प्रकाशी फाइबर किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो प्रकाशी फाइबर जो होते हैं ना ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28, सिरका या विनेगर का रासायनिक नाम क्या है, तो सिरका या विनेगर का रासायनिक नाम जो होता है वह एसिटिक एसिड होता है, ठीक है ना। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बेरी बेरी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी की कमी के कारण होता है, यानी बेरी बेरी जो रोग है या किसकी कमी से होता है, तो ये विटामिन बी3 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन, ये उत्तर गलत है, विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होगा, बेरी बेरी किसके कारण होता है, तो यह विटामिन बी1 की कमी से होता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में यह कह रहा है कि सामान्यतः निषेचन होता है, तो यह कहाँ होता है, डिम्बवाहिनी नली में या फैलोपियन ट्यूब इसी को कहा जाता है। तीन संख्याएं 1/2 / 2/3 / 3/4 के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, तीनों संख्याओं का औसत बताइए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 69। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाता है, उसी के अंश तथा हर में यदि दो जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाता है, तदनुसार उस भिन्न के अंश तथा हर का योग कितना होगा, तो उसका हर और अंश का योग कितना होगा, वह होगा 8, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में जो हमारा सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, वह डी होगा, 6^1/4, और 34 में जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 75% का 260 +30% का 320, इसका 34 में जो सही होगा वह सही होगा सी 291, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, 21 आंकड़ों या डाटा की औसत 36 है, इनमें से प्रथम 12 आंकड़ों का औसत 15 है, शेष 9 आंकड़ों का औसत क्या होगा, तो ठीक है ना, तो इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक, 36 में 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और 12 में 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा उसको 9 से भाग दे देंगे और हमारा जो आंसर आएगा वह आएगा 64। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, तो 36 में राजीव है, कुवलय है, अंबुज है, लेकिन जलद नहीं है, 36 में सी। क्वेश्चन नंबर 37, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तल्लीन शब्द का जो संधि विच्छेद होगा तत्धन लीन जो है तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर 38, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो रामचरितमानस जो है यह अवधी में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है, 39 में कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा होगा वह होगा आस्तीन का सांप, आस्तीन के सांप के लिए सही मुहावरा कपटी मित्र होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, मदिरा पीने के प्याले को क्या कहा जाता है, वह चषक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ये पैसेज है, पैसेज को पढ़कर हम लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए होगा ए, और क्वेश्चन नंबर 42 में क्या होगा, 42 में होगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या होगा, 43 में होगा डी, और 44 में भी होगा ए। इंग्लिश के क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, 45 में होगा डी। देखिए फिर अब ये इसको इन शब्दों को सीरीज में बनाना है कि कौन पहले होगा और कौन बाद में होगा, अध्याय, विषय सूची, संदर्भ सूची, प्रस्तावना और भूमिका। तो 46 के लिए हम जो देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले होती है प्रस्तावना, फिर उसके बाद होता है विषय सूची, फिर उसके बाद भूमिका होती है, फिर अध्याय होता है और फिर संदर्भ सूची होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, अरे सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, छह मित्र सी ई जी आई के तथा यम केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वे सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हैं, ई सी के दाईं ओर पर दूसरे स्थान पर है, के जी के तुरंत दाईं ओर पर है,
जी तथा आई एक दूसरे की तरफ आमने सामने मुंह किए हुए हैं। आई के बाईं ओर से चलते हुए आई तथा यम के मध्य कितने लोग बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन 47 को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वह क्या आएगा, ए, 3 लोग। क्वेश्चन नंबर 48, हमको ये बताना है कि इन चारों में से क्या है जो अलग है। तो इसमें एच एफ ई अलग है। क्वेश्चन नंबर 49, यदि किसी कोडित भाषा में यू एन आई क्यू को एस जे सी आई लिखा जाता है तो उसी कोडित भाषा में एम ओ डी ई किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यह एम ओ डी ई के एक्स डब्ल्यू लिखा जाएगा। कथन ये है कि कुछ शिक्षक दार्शनिक हैं और कुछ दार्शनिक लेखक हैं। तो हमको ये बताना है कि क्या इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। कुछ लेखक शिक्षक हैं और कोई भी लेखक शिक्षक नहीं है। तो 50 में हमारा जो है सही होगा सी, क्योंकि इसमें कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, या अगर निकल रहा है तो कोई एक। तो हमको क्या देखना होगा कि इसमें कौन सा निकल रहा है, कि अगर जो पहला निकल रहा है तो दूसरा नहीं, और दूसरा निकल रहा है तो पहला नहीं। तो हमको क्या ऑप्शन लगेगा, ऑप्शन बनेगा इसका सी। फिर देखिए, किस पैरा एथलीट को टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। तो यह किसे चुना गया है, यह चुना गया है मरियप्पन थंगावेलु को, ठीक है। फिर देखिए, किस राज्य में विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया जा रहा है। तो यह लगाया जा रहा है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 53, जून 2021 में किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कहाँ शुरू की गई है जून 2021 में, तो यह शुरू किया गया है बिहार में। जून 2021 में कौन सा गांव कोविड 19 के विरुद्ध 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। तो यह कौन सा गांव है, यह गांव है व्यायाम, ठीक है। फिर चलिए, मई 2021 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता PGA चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता। तो 55 में वह जीता है फिल मिकेलसन ने। मई 2021 में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध विटले पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो यह किया गया किसको, नुक्लुफोम को। क्वेश्चन नंबर 57, अक्टूबर 2021 में दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा। तो 57 के लिए सही जगह क्या है, बीजिंग, ठीक है ना। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन बीजिंग में होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में यह है कि जून 2021 में आईसीआईसीआई बैंक ने सीमा पार से आवक प्रेषण के लिए तत्काल सुविधा प्रदान करने हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो 58 में यह समझौता किया गया है स्विफ्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 59, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल का क्या नाम रखा गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है अश्मी। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जाएगी। तो मेगा लेदर पार्क जो बन रहा है वह कहाँ बनेगा, वह बनेगा कानपुर में। वैसे भी लेदर का काम कानपुर में होता है, तो मेगा लेदर पार्क कानपुर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61 में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है, बोनालू, छप्पड़ मेला, बाली तृतीया या हार्नबिल। तो बाली तृतीया जो है ये उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, एन ईरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है। फिर 63, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी। तो 63 में ये स्थापना किया था प्रशांत चंद्र महल नोविस ने, और इन्हीं के आधार पे था जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी इन्होंने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 64, सूची एक में सूची दो में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शक, यानी कौन सा इसमें गलत है। 64 में हमको ये देखना है कि कौन सा गलत है। तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की ये सही है, केंद्रीय शुल्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में ये भी सही है, और 64 हम लोग देख रहे हैं, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कानपुर ये गलत है, ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है ना। और केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वह सी बनेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, दादा साहब फाल्के
पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले श्रीमती देविका रानी को मिला था। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है क्वेश्चन नंबर 66 में ए 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो 67 के लिए सी सही है, त्रिपुरा अगरतला। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? तो गोवा का जो लोक नृत्य है वह है फुगड़ी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो 69 में यह कोडाईकनाल जो है पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 70, दक्षिण भारत के प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही चयन हम लोग करेंगे, तो इसका कूट इधर है और इसमें जो होगा हमारा क्या सही होगा, केरल है, कन्नड़ है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो इसमें जो हमारा कूट सही होगा वह कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 70 में। क्वेश्चन नंबर 70 का जो कूट होगा वह होगा ए 2413, 2413, 2413। केरल के लोग मलयालम बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, कर्नाटक के लोग कन्नड़ बोलते हैं और आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है, ये एक पैसेज है, कुछ महापुरुष तटस्थ होकर चिंतन करते हैं और अन्वेषण चिंतन, मनन, विश्लेषण, संश्लेषण आदि के आधार पर नई व्यवस्था की कल्पना करते हैं तथा नए मूल्यों, नए आदर्शों तथा नई अवस्थाओं का सृजन करते हैं। नई व्यवस्था देने वाले ऐसे तटस्थ चिंतक धन्य होते हैं क्योंकि केवल आलोचना करते रहना तो सरल है किंतु उपाय बताना कठिन है। मार्क्स ने कुछ उपाय बताए और लेनिन ने उन्हें मूर्त रूप दिया। रूसो, लॉस्की आदि ने भी उपाय बताए, उन्हें साकार करना अन्य जन पर निर्भर रहा किंतु कुछ महापुरुष और भी आगे बढ़ गए। उन्होंने केवल उपाय नहीं बताए बल्कि स्वयं एक निष्ठा से उस पर आचरण करने के लिए जुट गए। महात्मा गांधी ने जो समझा वही कहा और जो कहा वही किया। उनके विचार, कथनी और करनी एक ही थी, उनमें अपनी बात कहने और आचरण करने का साहस था। उनका जीवन अपने सुझाए हुए उपायों एवं आदर्शों पर के आधार पर विहित प्रयोगों और अनुभवों की सजीव श्रृंखला है। महात्मा गांधी काल के प्रवाह के साथ नहीं बहे, वे युग प्रवर्तक हो गए। गांधी महान और अलौकिक पुरुष थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया, उक्त गद्यांश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो संबंध है या किससे है 71 में, डी से, यानी कर्मवाद से। 72 में कह रहा है, इस गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या वर्णित किया है? तो इसमें लेखक ने मात्र महात्मा गांधी के चरित्र की विशिष्टता का कारण बताया है। 73 में, इस गद्यांश में लेखक ने यूरोप के कुछ महापुरुषों के विषय में क्या कहा है? 73 में, उन्होंने उपाय तो बताए पर उनका कार्यान्वयन दूसरों पर छोड़ दिया, जबकि गांधी जी ने उसको खुद पे लागू किया। क्वेश्चन नंबर 74, इस गद्यांश में लेखक ने महात्मा गांधी के विषय में क्या कहा है? तो इसमें लेखक ने महात्मा गांधी से के विषय में, वे केवल सिद्धांतवादी थे नहीं कहा, उनकी कथनी और करनी में अंतर था नहीं कहा, वे केवल आदर्शवादी थे नहीं कहा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 75, तटस्थ चिंतन से क्या अभिप्राय है? तो तटस्थ चिंतन से अभिप्राय होता है निष्पक्ष होकर सोच विचार करना, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला पैसेज, आसमान में मुनक्का मारना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं समझा जाता, बिना लक्ष्य के तर्क करना भी बुद्धिमानी नहीं है। हमें भली भांति समझ लेने की आवश्यकता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम जो कुछ प्रयत्न करते जा रहे हैं वह किसके लिए है, साहित्य हम किसके लिए रचते हैं, इतिहास और दर्शन क्यों लिखते और पढ़ते हैं, राजनीतिक आंदोलन किस महान उद्देश्य की सिद्धि के लिए करते हैं। मनुष्य वह बड़ी चीज है जिसके लिए यह सब किया जाता है। हमारे सब प्रयत्नों का एक लक्ष्य है, मनुष्य वर्तमान दुर्गति के पंख से उद्धार पाए और भविष्य में सुख और शांति से रह सके। वह शास्त्र, वह ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार जंजाल मात्र है जिससे मनुष्य का भला न होता है। मनुष्य आज हाहाकार के भीतर त्राही त्राही पुकार रहा है। हमारे राजनीतिक और सामाजिक सुधार से अन्न वस्त्र की समस्या सुलझ सकती है, फिर भी मनुष्य सुखी नहीं बनेगा।
उसे सिर्फ अन्न वस्त्र से ही संतोष नहीं होगा, इसके बाद भी उसका मनुष्य बनना बाकी रह जाता है। साहित्य वही काम करता है। मनुष्य नामक प्राणी तो पशुओं में ही एक विकसित प्रजाति है, और यदि मनुष्यता के गुण और मूल्य उसमें नहीं है तो वह मनुष्य नामक पशु ही है, मनुष्य नहीं। भोजन करना, सोना और वंश वृद्धि जैसे काम प्रकृति के द्वारा तय हैं। सच्चा मानव बनने के लिए उसे जो दृष्टि चाहिए उसे पाने में साहित्य सहायक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में जो हमसे पूछा जा रहा है, आसमान में मुनक्का मारने का तात्पर्य क्या है? तो इसका है निरर्थक कार्य करना। आसमान में मुनक्का मारने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी, निरर्थक कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 77, बुद्धिमानी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? आसमान में मुनक्का मारना। क्वेश्चन नंबर 78, साहित्य कला नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनसे मनुष्य का हित न हो सके, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 79, अन्न वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं, कैसे? सामाजिक सुधारों से, 79 में बी। और क्वेश्चन नंबर 80, मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है, क्या नहीं है? तो वंश वृद्धि है, सोना है, भोजन करना है, अन्न वस्त्रों की पूर्ति, यही नहीं है। हम लोग देखेंगे मैथ के, ये पाई चार्ट है, इसको रख के बनाइए और क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 81 में, कंपनी ए बी और सी द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिट, कंपनी ए बी और सी द्वारा मिलाकर उत्पादित कुल यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है ना, तो इसमें जो 81 में सही होगा वह होगा 58%। 82, सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित यूनिटों की संख्या, औसत संख्या कितनी है? तो औसत संख्या पूछ रहा है तो होगा 650, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83, किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपनी ए। क्वेश्चन नंबर 84, कंपनी सी एवं डी की कुल बिक्री तथा कंपनी ई एवं एफ की कुल बिक्री का अनुपात कितना है? 84 में होगा 6:7, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी डी के उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है? तो यह कितना कम है? 17.64%, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर ये चार्ट है क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों के औसत प्रतिशत में क्या अंतर है? तो 86 में क्या अंतर है? वह 5.5% का, ऑप्शन नंबर ए। 87, दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं? तो सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक जो हैं वह ऑप्शन नंबर डी, यू के हैं। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या है? तो 88 में सी, 72.5%। क्वेश्चन नंबर 89, छात्र यू एवं वी के इतिहास का औसत प्रतिशत अंक छात्र डब्ल्यू एवं यक्ष के भूगोल के औसत प्रतिशत अंक से कितना कम या अधिक है? तो 89 में होगा 3.5% कम है। 90, सभी छात्रों द्वारा भूगोल में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 90 में होगा डी, 78%। फिर यह है, कॉलम बनाएंगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, किस विषय में सभी छात्रों के कुल अंक अधिकतम है? तो यह किसका है? गणित में, ऑप्शन नंबर बी। किस छात्र ने सभी चार विषयों को मिलाकर सर्वाधिक अंक प्राप्त किया है? तो 92 में छात्र 3, यानी सी, ऑप्शन नंबर 93। एक नए विषय को शामिल किया गया है जिसमें सभी छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए, यदि उनके कुल अंकों की गणना के लिए चार उच्चतम अंकों वाले विषयों का योग किया जाता है तो कुल अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो 93 में होगा हमारा छात्र नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, अंग्रेजी में प्रति छात्र औसत अंक हिंदी में प्रति छात्र औसत अंकों का कितना प्रतिशत है? तो 94 में हमारा होगा सी, 92.71%। 95, विज्ञान विषय में सभी पांचों छात्रों का औसत कितना है? तो 95 में 94.2%। फिर देखो ये चार्ट है, ये 96 to 100 के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, 1993 में बेची गई वर्ग समूह ए के वाहनों की संख्या 1992 में बेची गई कुल वाहनों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 96 में होगा ए, यानी 8%। 97, पिछले वर्ष की तुलना में
1993 में किस वर्ग समूह के वाहनों की बिक्री में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि रही? तो 97 में वर्ग समूह सेकेंड। 98 बेची गई वर्ग समूह पाँच के वाहनों की संख्या का लगभग 25% वर्ग समूह सेकेंड के वाहन निम्न में से किस वर्ष में बेचे गए? 98 में होगा 94 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1991 में बेची गई वर्ग समूह पाँच के वाहनों की संख्या 1994 में बेची गई वर्ग समूह पाँच के वाहनों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था? तो यह होगा 76.1% ऑप्शन नंबर सी। और आखिरी क्वेश्चन 1992 में सभी वर्ग समूह के बेची गई कुल वाहनों की औसत संख्या कितनी है? तो यह होगा बी 202.6। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस तरह हम लोगों ने 6 सेट कर लिए हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।